हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वीके एजुकेशन क्लासेस। आई एम विक्रम कुमार गौतम। बेटा, जैसा हम क्लास नाइन्थ में अब तक चैप्टर नंबर पहले में चैप्टर्स पहले में जिसका नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अर्थात सेल कह सकते हो, कोशिका के बारे में हम क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो हमने अब तक सेल के बारे में जो भी अध्ययन किया था वो बेटा इंटर लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले जाते हैं। तो हमने आपको शुरुआत में ही जो स्टडी डिस्कवरी थी उसकी सेल्स की डिस्कवरी के बारे में पूरा डिटेल हमने बताया। फिर कल हमने जो लेक्चर लास्ट वाला लिया हुआ था, यदि कंटिन्यूस करें रिकॉल करें तो हमने पिछले लेक्चर्स में सेल की टाइप्स को देख रखा हुआ है। हमने ये देख रखा हुआ है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल थियरी को किसने सबसे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था उसके बारे में हमने देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा पिछला लेक्चर जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, न्यूक्लियस के बारे में था। ठीक है, तो याद होगा आपको कल का हमने देखा कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। फिर न्यूक्लियोप्लास्ट में एक क्रोमैटिन पाई जाती है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम की बनी होती है। क्रोमैटिन जब हुआ सेल डिवाइडिंग करती है, रेस्टिंग पीरियड में रहती है तो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक दिखाई देता है, और यदि वो डिवाइडिंग फेज में आता है जब डिवाइडेशन करती है, उस ड्यूरिंग द डिवाइडेशन द क्रोमैटिन इज चेंजिंग द रॉड साइड एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। और उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, आपको क्रोमोसोम कहते थे। क्रोमोसोम किसका बना होता है बेटा, तो हमने ये बता रखा हुआ था क्रोमोसोम आपको डीएनए का बना होता है और प्लस किसका बना होता है, प्रोटीन्स पाए थे। कौन सी प्रोटीन होती थी, तो नाम बताएंगे आपको हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है वो हमने साथ नहीं बता रखा हुआ, तो आप जान लीजिए कि वो आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन जानते रहो पांच प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है जो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रोमोसोम में। वो होती है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। एक बार फिर से याद कर लो, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। आपको ये पांच प्रकार की क्या होती है, जो आपको प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, ये डीएनए को बाइंड करने में क्या करती है, हेल्प करती है जो क्रोमोसोम में पाए। तो क्लियर है, ये सारे देखा हमने, न्यूक्लियोलस को भी देखा उसका क्या रीजन होता है, फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखा, न्यूक्लियर पोर देखा उसका फंक्शन क्या होता है, सारे हम लास्ट शब्द पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में। आज का जो लेक्चर है वो आपको हम कंटिन्यूस करते हैं, वो बेटा आपका है किस पे, आपको हमने बताया था साइटोप्लाज्म पे। किस पे है, तो हमको पढ़ना है आज जो वो साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करना है, तो हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे में थोड़ा बहुत आपको नॉर्मली लिखा हुआ है, तो हमने वो बताया है कि यदि देखा जाए कोशिका के अंदर, ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस वाले पोर्शन को छोड़कर, ध्यान रखो हम ऐसे ही बनाते हैं, ये देखिए एक्सेल को बनाते हैं, तो हम जनरल से समझने के लिए ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं। तो ये जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन हमने पढ़ लिया, ये न्यूक्लियस था। इसके बाद इसमें सारे पदार्थ भरे रहते हैं, ये जो पदार्थ होता है साइटोप्लाज्म कहलाता है या कोशिका द्रव्य कहलाता है। वो पदार्थ जो साइटोप्लाज्म होता है कैसे होता है, अर्थात कह सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस पार्ट को कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहा जाता है, प्लाज्म मतलब होता है बेटा तरल, साइटो वर्ड जो दिया गया वो उसका मतलब होता है साइटोन से लिया गया, साइटान मींस होता है या साइटो वर्ड जो रहता है वो सेल के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिए वो सेल के लिए यूज किया जाता है। तो यही रहा आपको साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है जो इसमें भरा रहता है, और ये क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, और सारी की सारी जो क्रियाएं होती है, जनरली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मोस्ट ऑफ द क्या होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। अब ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म वाला, और हमने एक पॉइंट बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर वाला जो प्लाज्मा मिल जाए इसको हमने साइटोप्लाज्म बोला, और हमने बता रखा हुआ था न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा मिलता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियो प्लाज्म पहले भी बताया। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों अगर मिल जाए तब वो निर्माण करते हैं किसका बेटा, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अर्थात ये कह सकते हो साइटोप्लाज्म हमने लिखा हुआ है और ये लिख लो न्यूक्लियोप्लाज्म, ये रहा न्यूक्लियो प्लाज्म। ये दोनों मिलकर ही आपको फॉर्मेशन करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म क्लियर हो गया, डिटेल में बता था। और फर्स्ट टाइम एक हक्सले नाम के बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम बता रहा था, हक्सले ने ये बताया था कि ऑल केमिकल रिएक्शंस विद इन सेल, कि उन्होंने बताया था कि जितने भी हक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन सेल्स। और वो क्या लगता है, जीवन का सार क्या लगता है, कि जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी की सारी क्रियाएं क्या होती हैं, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य जो पाया जाता है उसके अंदर नहीं होता। क्लियर बात। और हमने उसके बाद भी बताया कि फर्स्ट टाइम इसको डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था साइटोप्लाज्म को, अर्थात उन्होंने उसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। ठीक है, नाम दिया था क्या उन्होंने, बायोप्लास्ट नाम दिया था। ये ध्यान रखिए, डुजार्डिन ने दुजार्डी ने नाम दिया था इसको बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट कहा था। और एक पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे, पुरकिंजे ने इसको लास्ट में डिस्क्राइब किया, क्या नाम दिया, प्रोटोप्लास्ट। पुरकिंजे ने क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो ये क्लियर रहे आपको, प्रोटोप्लाज्म होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, सारी संरचना इसमें। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक झिल मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म को एनवायरमेंट से क्या होती है, अलग किए रहती है, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको कवर्ड किए रहती है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसको कवर किए रहती है, अर्थात एनवायरमेंट से इसको अलग किए रहती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, आपको झिल्लीनुमा ढेर सारे आपको क्या होते हैं, किस स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का अंग। और हम पहले भी डिस्कस कुछ नाम लिए होंगे सेल, जिसको कहते हैं कोशिका अंग। कुछ अंग पाए जाते हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती है उसी मेम्ब्रेन से निर्मित होती है, जिसको हम कहते हैं कोशिका अंग कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं कोशिका अंग, और इंग्लिश में कहते हैं उसको क्या, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स इसी में क्या होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और उनका क्या होता है, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है, वो स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, मैकेनिज्म को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो हमने ये बताया कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और ये सेल ऑर्गेनेल्स जैसे आपको हमने बता भी रखा था, प्लास्टिड हुआ, प्लास्टिड हो गया, फिर हमने बताया था बेटा आपको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर हमने बताया था आपको ईआर हुआ, फिर बताया था इसमें पाया जाता है राइबोसोम हुए, राइबोसोम हुए, फिर हमने एक और नाम बताया था बड़ा फेमस, माइटोकांड्रिया हुआ। ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारे आपको सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इस साइटोप्लाज्म में। और ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर बाकी जितने भी हमने सेल ऑर्गेनेल्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे प्लास्टिड हुआ, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, एंडोप्लाज्म रहते हुआ, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम हुए, ये सारे आपको क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वो कैरेक्टर सिर्फ इसके यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या होता है, डिफाइंड होता है। ठीक, तो ये सारे आपको इसी सेल ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं, और इनके अलग अलग क्या रहते हैं, वर्क होते हैं, और स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो हमको इसमें से देखना क्या रहता है, इनमें से इनके अलग अलग जो फंक्शन आपको परफॉर्म करते हैं, इनको अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करना।
तभी तो हम जा रहे हैं कि एक्सेल में अंदर साइटोप्लाज्म तो है, साइटोप्लाज्म एक मीडियम है, उसमें ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स किस तरह से आपको क्या होते हैं फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर किस तरह के दिखते हैं, तो सारे स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे और आपको स्ट्रक्चर भी देंगे और आपको उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, उसके मैकेनिज्म बताएंगे कि वो कैसे आपको फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस ही बताएंगे। तो कल का लेक्चर आपको इनमें से एक दो करके बताएंगे बेटा, बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं, धीरे धीरे चलते हैं ताकि समझ में बिल्कुल आता रहे और आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। कल हम अगर आपको देखा जाए तो आपको एनसीईआरटी की बैंक लिखा था, तो पहले आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दिया, ठीक है, जिसको हिंदी में लिखा हुआ अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे, जो भी रहेगा यदि आपको कहा जाए तो चलिए हम आपको कल स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दिया होगा, और उसके दूसरा जो आपको दिया हुआ वो दिया हुआ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। तो कल हम आपको क्या करेंगे, एक छोटा सा लेक्चर लेंगे या फिर थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो आपको दो लेक्चर आपको कंप्लीट कर लेंगे, इसमें दो से आगे से कंप्लीट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसे आपके थॉट हो आप अगर कमेंट में लिख भेजेंगे तो बेटा आपको एक ही एक बार एक लेक्चर में सिर्फ एक ही के बारे में आपको बताएंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यदि आपको चैप्टर ज़्यादा टाइम में नहीं लगेगा तो हम दोनों कवर कर सकते हैं, आपको 20 मिनट में या 30 मिनट में दोनों कवर करने लायक होगा तो दोनों कवर कर देंगे, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आज के लिए बस इतना ही बेटा, आप अध्ययन करते रहिए, बेस्ट आप लाइफ, थैंक्स।